हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, इनकी हरकत देख आप गुस्से से भर जाएंगे। अनबिलीवेबल एंड वियर्ड एनिमल मोमेंट्स, ये क्या चीज है, कोई आइडिया नहीं है। तो मैं बड़ी डर डर के देखने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। चलो। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स मोस्ट अमेजिंग एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा पार्ट 12। मगरमच्छ ऐसा जीव है जिसके जबड़ों में फंसना मतलब साक्षात मौत, क्योंकि जहां शेर की बाइट फोर्स मात्र 650 PSI होती है, वही मगरमच्छ की उसके लगभग 5.5 गुना यानी कि 3700 PSI। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, हो सकता है आपके कानों में हड्डी टूटने की आवाज भी आने लगी हो। खैर, मई 2021 को राजस्थान के कोटा में रावत भाटा के राणा प्रताप सागर डैम के पास चंबल नदी के किनारे भोजन पानी की तलाश में एक डॉगी घूमता हुआ पहुँच गया। मौके पर मौजूद लोगों को दूर से दिख गया कि वहां मौजूद एक मगरमच्छ ने इस डॉग का शिकार करने का इरादा बना लिया था, इसलिए उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। उसको बचा लेते। कुत्ता इस अनजान खतरे को भांप नहीं सका। दूसरी तरफ नदी में मगरमच्छ बेहद शांति से शिकार की ओर बढ़ता रहा। नजदीक आते ही मगरमच्छ ने अचानक तेज झपट्टा मारकर डॉगी को अपने जबड़े में दबोच लिया। अपनी पकड़ में आते ही मगरमच्छ डॉगी को पानी की गहराई में ले गया। कुछ ऐसा ही मोंटाना के इस पालतू डॉग के साथ हुआ, जो साल्ट वाटर घड़ियाल को उत्सुकता से देख रहा था। तभी घड़ियाल ने उसकी नाक पकड़कर उसे पानी में गिरा दिया। खैर, डॉग की किस्मत अच्छी थी कि घड़ियाल का साइज छोटा था और वो पानी में गिरते ही उसकी पकड़ से आजाद हो गया, इसलिए बच गया। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ, जब मगरमच्छ ने चुपचाप डॉग पर धावा तो बोला, लेकिन डॉग ने सही समय पर उछलकर अपनी जान बचा ली, वरना मौत तय थी। ये फुटेज सुंदरबन नेशनल पार्क में फिल्माई गई, जहां एक बोट पर 7 कर्मी मौजूद थे और किनारों पर जाल लगाकर रॉयल बंगाल टाइगर को किनारे से दूर करना चाहते थे, क्योंकि ये एक कुशल तैराक होते हैं और अक्सर तैर कर आगे निकल जाते हैं। खैर, तभी इन कर्मियों को वहां किनारे पर खूबसूरत रॉयल बंगाल टाइगर दिखाई पड़ गया, जो इन लोगों को अपनी टेरिटरी में देख गुस्सा हो गया, और तब देखने को मिला रॉयल बंगाल टाइगर का खौफनाक रूप। तो नहीं रहा। वो तो गनीमत रही कि ये सभी किनारे से पहले ही उचित दूरी पर मौजूद थे, वरना रॉयल बंगाल टाइगर की जंप देख कैमरामैन तक घबरा गया। लेकिन इन लोगों की भी तारीफ करनी होगी, जो ऐसा रुद्र रूप देख डरे नहीं पर अपने काम में लगे रहे। जब रील में देख कर ये हाल है, अगर रियल में देख लूं तो शायद। डॉग्स निश्चित रूप से सबसे निस्वार्थ जीव है, और इंटरनेट पर एक वीडियो जो सामने आ रहा है, जो इसे सही साबित करता है, जिसमें एक पालतू डॉग पानी में डूब रहे एक हिरण के बच्चे को रेस्क्यू करता है और पानी से बाहर अपने मुंह में पकड़ कर लाता है। वीडियो देख इंटरनेट पर इस डॉग की तारीफों के पुल बन गए। मकड़ियों के अनेक प्रजातियों और उनकी तरह तरह की सुपर पावर्स के बारे में हमने अब तक आपको बताया, लेकिन आज हम आपको जिस मकड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो दुनिया की अन्य सभी मकड़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा छोटी होने के बावजूद भी शातिर, खतरनाक और ताकतवर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली पोर्टिया की। इसकी पहली सबसे बड़ी खासियत है इसकी जंप। ये अपने शरीर की लंबाई का 50 गुना से ज्यादा दूर जंप कर सकती है। दूसरी सुपर पावर है इसकी शानदार कैमरे जैसी आईसाइट, लेकिन इसको सबसे खास बनाती है इसकी तीसरी सुपर पावर, जिसका दिमाग है, क्योंकि पोर्टिया अपने आकार से 3 गुना बड़ी और अधिक जहरीली मकड़ियों को खाकर ही अपना जीवन यापन करती है, जो घिरी रहती है चिपचिपे जाल से। इसलिए ये अपनी कैमरे जैसी आईसाइट की मदद से आसपास की जगह की 3D मैपिंग करती है और प्रोफेसर की तरह पूरा प्लान पहले से दिमाग में तैयार कर लेती है, फिर स्पाइडर मैन की तरह ऊपर से लटक कर सीधा उसकी पीठ पर हमला करती है, जिससे ना तो उसके जाल में फंसने का डर और ना ही उसके जहरीले डंक का शिकार बनने का डर रहता है।
खैर जब ऐसे लटकने के साधन मौजूद नहीं होते तो ये दोबारा अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और मकड़ी तक जाने के बजाय खुद उसे अपने तक आने देती है, जिसके लिए उसके जाल को हिलाती है ताकि उसे कंपन से लगे कि कोई शिकार उसमें फंस गया है। और जैसे वो नजदीक आता है वो एक शानदार जंप के साथ उसकी जीवन लीला समाप्त कर देती है। है ना शानदार जीव? दुनिया भर में अगर सबसे खतरनाक टर्टल की बात करें तो कोई स्नैपिंग टर्टल और एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल प्रजाति के कुछ कछुए अपनी ताकतवर बाइट फोर्स और बिजली से भी तेज रफ्तार वाले जबड़े से हड्डियां तक को छेद देने के लिए जाने जाते हैं। खैर ये तो ही इनके जबड़े की ताकत और फुर्ती की बात, लेकिन आज हम इनसे जुड़ी जो मुख्य बात बताने वाले हैं वो है इनकी लाजवाब हंटिंग स्किल। एलिगेटर स्नैपिंग टर्टल अपने ज्यादा वजन और कम स्विमिंग स्पीड के चलते अपना भोजन बड़ी ही मुश्किल से ढूंढ पाते हैं, लेकिन प्रकृति ने इन्हें एक अनोखे टेक्निक से नवाजा है। दरअसल ये पानी में अपना मुंह खोलकर स्थिर खड़े हो जाते हैं और इनके मुंह में एक वर्म के जैसी छोटी सी जीभ जैसा एक उपांग होता है, जिसे हिलाते देख पानी में मौजूद छोटी मछलियां उसे अपना भोजन समझ उसका शिकार करने आती है, लेकिन कछुए के जाल में फंसकर खुद शिकार बन जाती है। भारत के सबसे बड़े इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला ने साल 2005 में क्रिसिल के 27 करोड़ की शेयर बेचकर मालाबार हिल्स मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वहीं 2015 में जब इस फ्लैट की कीमत बढ़के 27 से 65 करोड़ रुपए पहुंची, वहीं अगर इन्होंने क्रिसिल के 27 करोड़ की शेयर उस वक्त ना बेचे होते तो उनकी कीमत करीब 600 करोड़ होती। दोस्तों ये है पावर ऑफ राइट इन्वेस्टिंग, इसलिए आपको इन्वेस्टिंग शुरू कर देना चाहिए, जिसके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अपस्टॉक्स, जो रतन टाटा जी और टाइगर ग्लोबल यूएस द्वारा समर्थित है। यहाँ से आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी और आधार कार्ड व पैन कार्ड की मदद से 5 मिनट में KYC कंप्लीट कर आप ट्रेडिंग करने को तैयार हो जाएंगे। फिर इन्वेस्ट कीजिए अच्छे अच्छे शेयर्स में और प्रॉफिट कमाइए। तो दोस्तों इंतजार किस बात का, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी अकाउंट खोलिए और बचत में से इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। ये जनाब रिहायशी इलाके में पकड़े गए और केज में कैद तेंदुए को परेशान कर रहे थे, जबकि वो पहले से स्ट्रेस और गुस्से में था, लेकिन इनके चुल का परिणाम इन्हें तुरंत भुगतना पड़ गया क्योंकि तेंदुए ने टहनी खींच ली, जिसके साथ अंकल भी खींचे चले गए। वो तो गनीमत रही, मौके पर और लोगों ने शोर मचाकर तेंदुए को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, वरना इतना तय था कि पिंजरे में बंद हुआ तेंदुआ भी उन्हें अस्पताल पहुंचा देता। यहाँ देखिए कैसे चरवाहे के खाना खाने से पहले ही भेड़ पीछे से आकर खाना चुरा लेती है और जब चरवाहा इसके पीछे भागता है तो यहाँ गधा पीछे से काम कर जाता है और नजदीक आने पर दुलकती मार मार कर चरवाहे को पीछे हटने पर मजबूर कर ये वीडियो एक वियतनामीज चैनल ने अपलोड की और दावा किया कि मिट्टी के टीले में उन्होंने मेटल डिटेक्टर की मदद से कोबरा सांपों के बिल का पता लगाया। जब खोजना शुरू किया तो पाया कि अंदर ढेर सारे कोबरा एक में एक उलझे फंसे पड़े हैं, लेकिन हम आपको बता दें ये सरासर व्यूज पाने के लिए बनाई गई एक वीडियो है। कोबरा यहाँ बिल्कुल भी आक्रामक नहीं दिखाई पड़ते और साफ मालूम पड़ता है कि टीले की दूसरी तरफ से इन्हें यहाँ डाला गया था और मेटल डिटेक्टर से बिल का पता लगाना वाह मतलब कुछ भी। खैर इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए जरूर। बस हमारा यही अनुरोध है कि व्यूज के लिए जीवों को इस तरह परेशान किया जाना बिल्कुल जायज नहीं है। केरल के रहने वाले बैजू अट्टुकल के घर पिछले 7 सालों से लक्ष्मी नाम की हथिनी और कनन नाम के हाथी का आना जाना है। ये जब भी रास्ते से गुजरते हैं तो बैजू के घर जरूर आते हैं और इनके परिवार वाले इनके लिए खाने का बंदोबस्त करके रखते हैं। अब इनकी बॉन्डिंग पूरे केरल में मशहूर है और इनका यूट्यूब चैनल भी है। सच में जीवों के प्रति ऐसा प्यार और सद्भाव देखकर ही हमें इंसान होने पर गर्व महसूस होना चाहिए, न कि विकास की चाह में प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वियतनाम में एक बाइक सवार सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने देखा सड़क पर एक पपी मरा हुआ पड़ा है। उसने सोचा कि भारी ट्रैफिक वाली सड़क से हटाना इसे ठीक रहेगा, इसलिए बाइक रोक वो डॉग के पास तक जाता है।
लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि पपी मरा हुआ नहीं है, बल्कि वो तो चलते ट्रैफिक के बीच बढ़िया नींद ले रहा है। कई बार गाय आदि खाने के लालच में पेड़ आदि में सिर घुसा तो देती है, लेकिन सिर पेड़ में फंसा रह जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया इस काउ बॉय के एक बछड़े के साथ हुआ। जब इसने अपना मुंह पेड़ के खोखले तने में डाल तो दिया, लेकिन वापस निकाल नहीं पाया। तब काउ बॉय ने कुल्हाड़ी लेकर बड़े तरीके से तने के छेद को बछड़े का गला बचाकर काट काट कर बड़ा किया और उसे आजाद कराया। क्या आप जानते हैं बिल्लियां पानी की तरह बह सकती हैं? जी हाँ, उनका शरीर लिक्विड की तरह बिहेव कर सकता है और संकरी से संकरी जगह से ही आसानी से निकल सकती है। बिल्लियां सुपर लचीली होती हैं। इनकी कॉलर बोन हमारे मुकाबले काफी अलग होती है, क्योंकि ये हड्डियों के बजाय केवल मांसपेशियों से जुड़ी होती है। इसलिए अगर बिल्ली का मुंह कहीं से निकल सकता है तो उसका पूरा शरीर भी निकल जाएगा। यही वजह है कि आप कितना ही दरवाजा भी बंद कर ले, लेकिन बिल्लियां दूध पीने के लिए जगह बना ही लेती है। जुगाड़ हमारे भारत में केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे हैं, कैसे एक बकरी जब जमीन पर खड़ी रहकर पत्तियां नहीं खा पाई तो पास ही में मौजूद भैंस पर चढ़ गई और ऊंचाई पर लगी पत्तियां खाकर अपनी भूख मिटाई। सर्दियों में हम अक्सर कहते हैं कि पूरा शरीर जम सा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कजाकिस्तान की ठंड में रात के समय तापमान -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स को सच माने तो 2021 में तापमान -50 से नीचे तक चला गया था। 25 फरवरी 2021 को नूरजन मखाएव और उनके एक साथी ने सुबह सड़क किनारे एक हिरण को अजीब तरीके से सिर नीचे कर रुका पाया। जब वो उसके पास गए तो जैसे हिरण को होश आया और हिम्मत जुटाकर वो वहां से भागा और दोबारा थोड़ी देर बाद उसी पोजीशन में सिर नीचे कर रुक गया। दरअसल ठंड से उसका हाल बेहाल था और उसके मुंह पर पूरी बर्फ जम चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने इसे पकड़कर जमीन पर लेटाया और उसके मुंह के जगह जगह से बर्फ हटाई। जब काफी हद तक चेहरे से बर्फ हट गई तो उन्होंने उसे आजाद कर दिया। इसके अलावा भी उस समय कई और वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें जानवरों को ठंड से जमकर मरे हुए दिखाया गया, लेकिन इसकी पुष्टि हिंदी काउंटडाउन नहीं करता और इस पर डिटेल में हम फेक वायरल वीडियो में बात करेंगे। कुछ इसी प्रकार से दोस्ती की एक और अनूठी मिसाल इस बच्चे और सांड में दिखाई देती है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई है। वाइल्डलाइंस इको फाउंडेशन के ट्विटर हैंडल से एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसे देख सब दंग रह गए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हिरण माहिर धावक होते हैं, लेकिन इस वीडियो में देखने को मिला कि वो एक्सपर्ट जंपर भी होते हैं। वीडियो में दिख रहा हिरण एक बार में 7 फीट से भी ऊंची छलांग लगाकर सीधा जंगल में भाग जाता है, जिसे देख ये कहना गलत नहीं होगा मानो हिरण हवा में उड़ रहा हो। इंसानों को हम अक्सर ट्रैफिक नियमों की अवमानना करके सड़कों पर दौड़ते हुए देखते रहते हैं, लेकिन हाल ही में जनवरी 2021 के दौरान एक ऐसी क्लिप इंटरनेट पर सुर्खियों में आई जिसमें एक डॉग को सड़क पार करने से पहले ट्रैफिक सिग्नल रेड होने का वेट करते देखा गया। डॉग की ऐसी समझदारी भरी हरकत ने हर किसी का दिल तो जीत ही लिया। जानवरों में अपना पेट भरने के लिए शिकार करने के अनेक तरीके आज तक आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे एंट लायन नामक महज 1 इंच अधिकतम साइज वाले एक ऐसे कीड़े से जो अपनी हंटिंग के लिए दुनिया भर में मशहूर है। एंट लायन नाम के ये कीड़े आमतौर पर अपने शिकार के लिए किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि शिकार करते समय रेत हटाकर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर अपने आप को मिट्टी में छुपा लेते हैं और शांत बैठकर शिकार के इन गड्ढों में गिरने का इंतजार करते हैं। अब जैसे कोई शिकार इनके बनाए जाल में फंसता है, वैसे ये उस पर जहर और डाइजेस्टिव एंजाइम इंजेक्ट कर देते हैं, जिसके चलते शिकार पैरालाइज हो जाता है और उसके बाद ये जनाब लकवाग्रस्त शिकार के शरीर से पूरा लिक्विड चूस कर खोखले शरीर को बाहर फेंक देते हैं। इसके अलावा एंटलायन के कुछ जिद्दी शिकार जो कि शांति से इनके जाल में नहीं फंसते और ज्यादा फड़फड़ाते हैं, उनके लिए एंटलायन एक और टेक्निक भी काम में लेते हैं।
जिसमें वे शिकार पर रेत उछाल कर वार करते हैं ताकि शिकार का संतुलन बिगड़ जाए और वो लड़क कर इनके चंगुल में फंस जाए। तो जान निकल गई देख के ये सब। जनवरी 2021 के दौरान इंटरनेट पर एक क्लिप भी जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें एक माँ की ममता और ताकत के बीच मुकाबला देखने को मिला। वायरल क्लिप में देखा गया कि एक विशाल का सांप एक छोटे से पक्षी के अंडे चुराने के लिए उसके घोंसले की तरफ कूच करता है और हमला शुरू करता है, लेकिन सांप अंडे लेकर वहाँ से फरार होता उससे पहले पक्षी का जोड़ा यहाँ पहुँच जाता है और सांप पर पूरी ताकत के साथ हमला शुरू कर देता है। अब इतने विशाल का सांप और एक मामूली पक्षी के बीच मुकाबले में जीत किसकी होनी चाहिए, ये तो आप पहले ही सोच चुके होंगे, लेकिन यहाँ बात एक माँ की ममता पर आई थी तो बात हर किसी की सोच से उल्टी पड़ती हुई दिखाई पड़ी। पक्षी जोड़े के कुछ ही हमले खाने के बाद सांप उनके घोंसले से बाहर निकलने को विवश हो गया और उनका सामना करने में जुट गया, लेकिन पक्षी अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते अंततः सांप हार मानने को विवश हो गया और दम दबाकर भाग निकला। माँ की ऐसी ममता के लिए लाइक तो बनता है दोस्तों। साल 2015 के दौरान रूस के प्रिमोर्स्की में मौजूद प्रिमोरिया सफारी के वर्कर्स ने पाया कि पार्क में रहने वाला अमूर नाम का एक साइबेरियन टाइगर उदास है और शायद उसे खाने में पर्याप्त डाइट नहीं मिल रही है, जिसके चलते वो इस तरह का उखड़ा उखड़ा व्यवहार कर रहा था। ऐसे में केयर टेकर्स ने उसके खाने के लिए तिमोर नाम की एक बकरी का बंदोबस्त किया और उसे अमूर के आगे छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें जो देखने को मिला वो देखकर किसी की भी आंखें फटी की फटी रह जाएं। बाघ को असल में खाने की जरूरत नहीं थी बल्कि वो तो अपने अकेलेपन से परेशान था। ऐसे में बाघ ने केयर टेकर्स द्वारा खाने के लिए दी गई बकरी को खाने की बजाय अपना दोस्त बना लिया और उससे प्यार करने लगा। बाघ और बकरी की दोस्ती दुनिया भर में फैलने लगी और इनका इंस्टाग्राम पेज भी बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से नवंबर 2019 के दौरान बकरी तिमोर की हृदय गति रुकने के चलते मौत हो गई और उसके बाद से अब तक उसका साथी बाघ अमूर उदासी देखा जाता है। ये वाकया देखकर कहना गलत नहीं होगा कि दोस्ती मात्र ऐसा रिश्ता है जिसे ऊंच नीच जाति धर्म कुछ भी देखे बिना निभाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो तो बड़ा खतरनाक था यार, मेरे जैसे दिल वाले नहीं देख सकते, मेरी तो आधी जान ही निकली हुई थी, पर एंडिंग अच्छी की उन्होंने, तो एंडिंग से मैं सारा वो जो पहले देखा था ना वो मैं भूल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको भैया यही बोलेंगे एंडिंग अच्छी कर दिया करो हमारे जैसों के लिए, नहीं तो वो दिमाग में वो गंदे गंदे वाली रहते हैं मेरे। पर दिस वॉज वेरी नाइस, और खासकर ये जो लास्ट वाला बताया कि देखो शेर जो जिस जो उसका खाना होता है उसको खाए खाने की चलिए नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट देखिए एक तो ग्रेटनेस वाली बात है जो नेचर में आपको अमेजिंग लग रही है कि शेर खाने का, दूसरी बात ये भी है कि वो खाना अलग से शेर के लिए डाल के जा रहे थे, तो ये भी है कि मतलब शेर के अलग से खाना भी जा रहा है साथ में बकरी भी गई और इससे एक प्रूव होता है पॉइंट। खाना कहाँ से अलग से जा रहा था, अलग तो मेरे ख्याल से सफारी वगैरह में कहीं ना कहीं खाना जैसा बोल रहा, क्योंकि अगर जा रहा होता तो फिर वो ऐसी बकरी जिंदा थोड़ी कोई दे रहे होते। नहीं मेरे को लगता है कि खाना जा रहा था, क्योंकि रूल ये है कि शेर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए मारता है, तो ये प्रूफ हुआ है कि अगर उसे भूख लगी है तभी वो मारता है, अदरवाइज वो किसी को मारता नहीं है, तो ये उसका एग्जाम्पल था कि अगर उसका पेट भर रहा है तो वो मार नहीं रहा। और अमेजिंग, और दोस्ती वाली बातों तो बहुत ही हायर लेवल ये चीजें नजर आई है। और दूसरा जो जितने भी दिखाए वो नेचर का दिखा रहे हैं, वो तो फूड साइकिल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, फूड साइकिल है जो है, और मगर उस फूड साइकिल में इसीलिए हम उसे फूड साइकिल कहते हैं कि जो भी मार रहा है सिर्फ फूड के लिए मार रहा है और कोई रीजन नहीं है। आप ह्यूमन बींग से कंपेयर नहीं कर सकते, ह्यूमन बींग्स क्या क्या करता है वहां पे, जानवर जो है सिर्फ खाने के लिए ही मारता है, अगर उसे ऑल्टरनेट फूड मिल जाए तो कोई, मगर कई तो सिर्फ कार्निवोरस ही है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अच्छा वीडियो था, यस फ्रेंड्स मजा आ गया, दिल भी घबरा गया। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।